गाइस 6 मार्च 2022 को अभी कुछ समय पहले ही 21st ITA Awards के नेम अनाउंस किए गए, जो कि मुंबई में 6 मार्च 2022 को ये बेहतरीन फंक्शन आयोजित हुआ, जहां पर सभी फेमस टीवी एक्ट्रेस और सभी इंडस्ट्री के सभी फेमस चेहरे नजर आए, जिनमें रश्मि देसाई, हर्ष चोपड़ा, अलीसा रवि दुबे, दिलीप जोशी, मुन्मु दत्ता, प्रणाली राठौड़, आशीष सिंह, रूपाली गांगुली, हीना खान और भी कई टीवी के एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस नजर आए। और तो और कुछ बॉलीवुड के अपीयरेंस भी हुए, जिनमें कई फेमस बॉलीवुड स्टार्स भी आए, जैसे आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और गुलशन ग्रोवर जैसे सभी स्टार शामिल थे। यह सभी फेमस टीवी के सितारे वहां पर अपने अपने स्टाइलिश ड्रेस के साथ नजर आए और इनमें से कुछ लोगों को कुछ अलग चीज के लिए ITA अवार्ड भी मिले। तो आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको ITA अवार्ड 2022 के विनर्स बताने जा रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए आज के धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। बेस्ट एक्टर, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टीवी इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है। तो अगर बात करें बेस्ट एक्टर के अवार्ड के विनर की, तो वह कोई और नहीं बल्कि सुधांशु पांडे हैं, जो अनुपमा सीरियल में वनराज का लीड रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। सुधांशु पांडे को बेस्ट एक्टर फॉर ड्रामा का ITA 2022 अवार्ड मिला है। टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हीना खान को भी इनमें से एक बड़ा अवार्ड अपने नाम कर डाला है। हीना खान को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला है, जिससे वह और भी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं और काफी चर्चा में हैं। इस साल का ITA अवार्ड हीना खान ने अपनी लाइंस मूवी के लिए मिला है। और भाई नकुल मेहता बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। नकुल मेहता बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में लीड एक्टर के रोल में नजर आ रहे हैं और इन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है। नकुल मेहता वहां पर बेहद ही स्टाइलिश गिफ्ट में नजर आए, जहां पर वह अपने ड्रेस में बेहद हैंडसम लग रहे थे। और वहीं पे अगर बात करें बेस्ट एक्टर पॉपुलर की, तो यह अवार्ड हर्षद चोपड़ा ने अपने नाम किया है, जिन्होंने यह रिश्ता के कहलाता सीरियल में अभिमन्यु के रोल के लिए दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं और उससे ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। यह अवार्ड जीतने के बाद एक्टर काफी चर्चा में है और हर्षद चोपड़ा इस अवार्ड के पहले 2 और ITA अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर अवार्ड की बात करें, तो यह अवार्ड नाम किया है टीवी की 2 पॉपुलर अभिनेत्री ने, जिनमें से एक तो रूपाली गांगुली है, जिन्हें अनुपमा सीरियल में अनुपमा लीड रोल निभाकर बहुत ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस बनने के लिए यह अवार्ड मिला। और अगर बात करें दूसरी एक्ट्रेस जिसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो वह है आशीष सिंह। जी हाँ, आशीष सिंह को अपने सीरियल मीत की पॉपुलर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और तो और रूपाली गांगुली ने यह भी बताया कि उन्हें फर्स्ट अवार्ड मिला है। वह टीवी इंडस्ट्री में कई सालों पहले से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें यह फर्स्ट अवार्ड मिला, वह भी अनुपमा सीरियल के लिए। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फेवरेट शो किस सीरियल को मिला है और यह अवार्ड उदारिया टीवी शो ने अपने नाम किया है। चलिए अब और कुछ ITA अवार्ड विनर की लिस्ट के बारे में जानते हैं। अगर बात करें बॉलीवुड अवार्ड विनर्स की, तो पॉपुलर फिल्म एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह ने जीता है। और वहीं आपको बता दें पॉपुलर एक्ट्रेस बॉलीवुड का अवार्ड अपने नाम किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने। और वही बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है फेमस सिंगर अरमान मलिक को। वहीं पर बेस्ट हिंदी न्यूज टीवी चैनल अवार्ड अपने नाम किया है ABP न्यूज टीवी चैनल्स ने। सो गाइस, यह है 21st ITA अवार्ड 2022 की विनर्स लिस्ट, जिनमें से आपको सबसे बेस्ट एक्ट्रेस और एक्टर कौन लगा और आपका इनमें से क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अपने फेमस बॉलीवुड और टीवी एक्टर और एक्ट्रेस के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए स्क्रीन पर एक से एक वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।